हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग तरह की कहानियाँ लेकर आती हूँ, तो कुछ इसी तरह की कहानियाँ मैं आज भी आपके लिए आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको द विस्लिंग मैन का फर्स्ट पार्ट सुनाया था, और आज की वीडियो में मैं आपको उसी कहानी का बाकी भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। वो आवाज़ डैनियल से लगातार दूर होती जा रही थी, और इसका एक ही मतलब था कि एल सिल्बॉन डैनियल के बिल्कुल करीब ही था, और डैनियल इस बात से बेहद घबराया हुआ था। उसने तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर दिया, और भागते भागते उसने महसूस हुआ कि सीटी की आवाज़ तेज़ होने लगी है, और इस बात से उसने राहत की सांस ली। वो तब तक भागता रहा जब तक कि आवाज़ आनी बंद नहीं हो गई, और फिर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। उधर मून और रिचर्ड, वो दोनों भी पैदल आगे बढ़े जा रहे थे, पर उनका आगे बढ़ने में एक रुकावट आ गई थी। रिचर्ड के पैरों में चोट लगी हुई थी, और इस वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसने मून से कहा, मून बस अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, आई थिंक मेरे पैरों में फ्रैक्चर हो गया है, मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा है। तुम आगे चली जाओ, मैं यहीं बैठूँगा, मैं बिल्कुल नहीं चल पाऊँगा। आई एम फीलिंग सो मच पेन, मुझे यहीं छोड़ दो। पर रिचर्ड, तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगे? कोई जंगली जानवर या कोई चीज़ यहाँ पे आ गई तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही रुकती हूँ। ओके, ठीक है। आई विश कि काश कि एंड्रयू ठीक हो। हाँ, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो कहाँ होगा, पता नहीं वो किस हाल में होगा। डैनियल रुका ही था, तभी उसे फिर से सीटी की आवाज़ आनी शुरू हो गई, और वो आवाज़ इस बार धीमे धीमे आ रही थी, जिसका एक ही मतलब था, वो चीज़ उसके बहुत पास थी। डैनियल फौरन पेड़ की ओर से निकला, और उसने भागने की कोशिश की, पर जैसे ही वो भागा वो किसी से टकरा गया। उसके हाथ में टॉर्च अभी भी थी, वो टकराने की वजह से ज़मीन पर गिर गया। उसने टॉर्च उठाई और टॉर्च सामने की तरफ करके देखी, उसके सामने जो भी आकृति थी, जब उसने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली, उसे देखकर वो बेहद घबरा गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके सामने एक लंबी चौड़ी और पतली सी आकृति खड़ी थी, जिसके कंधों पर एक थैला लटका हुआ था, जिससे कई कई तरह की चीज़ें बाहर लटक रही थी, जैसे इंसानी हाथ, इंसानी पैर और इंसानी उंगलियां, बहुत सी चीज़ें। और ये सब देखकर डैनियल का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया, और उसने जब उस चीज़ का चेहरा देखा, उसकी सांसें बिल्कुल रुक गई। उसके थैले में से खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे जैसे बहुत से हड्डियाँ एक साथ आपस में टकरा रही हूँ, जिससे आवाज़ पैदा हो रही थी। वो अभी भी सीटी बजाया जा रहा था, और उसकी सीटी की आवाज़ बहुत धीमी हो गई थी। डैनियल ने उसके थैले की तरफ देखा। इन सब चीज़ों को देखते हुए वो उठने की कोशिश ही नहीं कर पाया, और वो चीज़ उसके बहुत करीब आ गई। डैनियल ने उसके थैले पर गौर किया, और उसके थैले में उसे एक हाथ ऐसा दिखाई पड़ा जिस पर एक घड़ी बंधी हुई थी। ये तो एंड्रयू की घड़ी है, माय गॉड, डैनियल ने मन ही मन सोचा। और उसके बाद एक लंबी चीख जंगल में गूंज गई, और ये चीख रिचर्ड और मून तक भी पहुंची। ये आवाज़ सुनकर वो दोनों बेहद चौंक गए। मून ने फौरन चिल्लाकर पूछा, डैनियल तुम ठीक तो हो? उसने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, पर कोई आवाज़ नहीं आई। रिचर्ड, मुझे आगे जाकर देखना होगा, तुम अपना ध्यान रखना और ये टॉर्च अपने पास रखो। मून इतना कहकर आगे की तरफ भाग गई, और उसी दिशा में चलने लगी जिस तरफ डैनियल गया था, और बहुत तेज़ कदमों से चलते चलते अचानक वो किसी से टकरा गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। उधर रिचर्ड हाथ में टॉर्च लिए बेहद घबराया हुआ सा वहाँ पर बैठा हुआ था।
उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी और पैरों से खून रिस रहा था। तभी उसने एक ऐसी आवाज़ सुनी जिसे वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था। उसके कानों में भी वही सीटी की आवाज़, बहुत तेज़ और तीखी सीटी की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो बेहद घबरा गया। उसके पैर में चोट लगी थी, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो ठीक से चल फिर नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। उसने फौरन चिल्लाना शुरू किया, मून मून मून। वो बेहद घबराया हुआ था। उसने किसी तरह आसपास के पेड़ों का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की। सीटी की आवाज़ लगातार धीमी होती जा रही थी। हालांकि मून उससे कुछ ज़्यादा दूर नहीं गई थी, पर फिर भी मून के सामने भी कोई चीज़ खड़ी थी जिसे देखकर वो बेहद चौंक गई थी। उसके पास टॉर्च नहीं थी, क्योंकि वो अपनी टॉर्च रिचर्ड को दे आई थी। उसने सामने की तरफ देखा, उसे लगा कोई बूढ़ा सा इंसान खड़ा है। उसने पूछा, आप कौन हैं बेटा, तुम कौन हो? सामने के इंसान ने जवाब दिया, आप इंसान ही है ना? हाँ मैं इंसान ही हूँ, क्यों तुम्हें नहीं लगता बेटा? नहीं, मैंने इस जंगल के बारे में कुछ कहानियाँ सुनी हैं। ओ अच्छा, तो तुमने भी वो कहानियाँ सुनी हैं? पर तुम्हें बता दूँ, वो कहानियाँ बिल्कुल सच्ची हैं। तो तुम इस जंगल से नहीं लगती? हाँ, मैं इस जंगल से नहीं हूँ, मेरा यहाँ आने का कोई इरादा भी नहीं था। मैं तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आ गई हूँ और अब मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। कौन? डैनियल, हमारा एक दोस्त। पहले वो गुम हुआ, उसे ढूंढने के लिए डैनियल गया और अब वो भी गुम है। उसकी चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी मुझे। समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे ढूंढूं। मुझे अभी भी डर लग रहा है कि कहीं कहीं वो चीज़ सच में हुई तो। मुझे मेरे दोस्त रिचर्ड ने बताया कि उसने सीटियो की आवाज़ सुनी थी एंड्रियो के गायब होने से कुछ देर पहले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अंकल। डरो मत। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास अपनी खुद की एक फौज है। देखो, इंसान का सबसे वफादार दोस्त जानती हो कौन? ये कुत्ते। हाँ मैं यहाँ चरवाहा हूँ और पास की ही बस्ती में रहता हूँ। रात के वक्त मुझे इधर आना नहीं था और ना ही मैं इधर आना चाहता था, पर मुझे यहाँ आना पड़ा। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी पोती वो बेहद बीमार है और उसकी दवा के लिए मुझे एक खास जड़ी बूटी चाहिए, एक खास तरीके का फूल जो सिर्फ रात के वक्त ही खिलता है। अगर मैं उसे दिन में लेने आता तो वो मुझे नहीं मिलता, वो सिर्फ़ और सिर्फ रात में खिलता है और 4 घंटे बाद मुरझा जाता है। इसलिए मैं उस फूल को ढूंढने आया हूँ। उस चीज़ की कहानी मैंने भी सुन रखी है और मेरे गांव के कई लोग उसकी चपेट में आए हैं, इसलिए वो कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं है बेटा। जानते हो वो चीज़ सिर्फ एक चीज़ से डरती है और वो है ये कुत्ते। वो इनसे बहुत डरता है, इसलिए अगर तुम चाहो तो इनमें से एक को ले सकती हो और अपने दोस्त को ढूंढ सकती हो। और जब तुम उसे ढूंढ लोगी तब तुम मुझे इसे वापस कर देना या इसे यूं ही छोड़ देना। ये अपने घर का रास्ता जानता है और ये खुद ब खुद घर वापस आ जाएगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इसे अपने पास ही रखो और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, अगर तुमने अपने दोस्त की चीखने की आवाज़ सुनी, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं लगता कि वो अब तुम लोगों को से मिल पाएगा। और फिर भी यार, तुम उसे ढूंढना चाहती हो तो उसे ढूंढो। और तुम्हारा दूसरा दोस्त वो कहाँ है? वो मैं उसे पीछे छोड़ कर आई। तुम लोग अकेले नहीं होना चाहिए बेटा। पर उसके पैर में चोट लगी है, वो चल नहीं सकता, इसलिए मेरे साथ नहीं आ सकता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस कुत्ते को अपने साथ रखना मजबूती से और वो चीज़ तुम्हारे आसपास नहीं आएगी, क्योंकि वो कुत्तों से बेहद डरता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अब जा सकती हो। मून उसे ढूंढते हुए बहुत आगे तक गई पर उसे
कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो लगातार डैनियल को आवाज़ें देती रही पर कोई जवाब नहीं मिला। और उधर रिचर्ड, उसकी हालत और भी ख़राब थी। वो सीटियों की आवाज़ लगातार धीमी होती चली जा रही थी। रिचर्ड किसी तरह खड़ा हो गया था पर उसे चलने में बेहद परेशानी हो रही थी। वो किसी तरह घिसटते घिसटते कुछ आगे बढ़ा पर फिर अचानक उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई चीज़ खड़ी है। मौसम ख़राब होने लग गया था, हल्की हल्की बारिश होने लग गई थी, इसलिए रिचर्ड के लिए चलना और मुश्किल हो रहा था। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने जो चीज़ देखी वो बेहद खौफनाक थी। उसने उसे देखा, एल सिल्बॉन, अपना विकृत चेहरा लिए हुए पतला शरीर। वो वहीं खड़ा था और रिचर्ड को घूरे जा रहा था। और कुछ देर बाद रिचर्ड भी अपने बाकी दोस्तों की तरह गायब हो गया और मून अकेली रह गई। उसके पास अभी भी चरवाहे का दिया हुआ कुत्ता था। अब उसी की बारी थी। वो लगातार डैनियल को आवाज़ें लगाती हुई घूमती रही। रात काफ़ी बीत चुकी थी, 3 बज गए थे और कुछ ही देर बाद सुबह होने वाली थी। डैनियल, डैनियल, वो लगातार आवाज़ दे रही थी। तभी उसके कानों से एक आवाज़ टकराई जो वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती थी। वही चिरपरिचित सी सीटी की आवाज़ जो बहुत दूर से आती हुई सुनाई पड़ी, मतलब वो चीज़ उसके करीब ही थी। उसने अपने आसपास देखा, उसके पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं था पर फिर भी उसे अपने से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ एक साया नज़र आया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ वो कुत्ता उस चीज़ को देखते ही बेहद ज़ोर से भौंकने लग गया और गुर्राने लग गया। मून के हाथों से उसकी रस्सी छूटने ही वाली थी पर मून ने उसे पूरी ताकत से पकड़ रखा था। बारिश होने लग गई थी और बीच बीच में बिजली चमक जाती थी। और इसी तरह एक बार बिजली चमकने पर कुछ रोशनी हुई जिससे मून को उस चेहरे की एक झलक दिखलाई दी और उसकी चीख निकल गई। वो बेहद घबराई हुई थी। वो उससे उतनी ही दूरी पर लगातार खड़ा हुआ था। उसने आगे बढ़ने की ज़रा भी कोशिश नहीं की और मून भी ये देख कर थोड़ी राहत में थी। उसे लगा बूढ़े चरवाहे की बात बिल्कुल सही थी और उसने फौरन कुत्ते का पट्टा पकड़कर पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। और वो भागती रही लगातार जब तक कि वो वापस उसी जगह पर नहीं पहुंच गई जहां पर उसने रिचर्ड को छोड़ा था। पर उसे वहां रिचर्ड दिखाई नहीं दिया। उसे दिखाई दिया तो सिर्फ रिचर्ड का बैकपैक जो उसने अपने कंधे पर लादा हुआ था। वो बैग ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसकी चीज़ें बिखरी हुई थी पर रिचर्ड का कहीं नामो निशान नहीं था। ये देखकर मून को और भी ज़्यादा खौफ था। वो बेहद घबरा गई थी। वो उस जगह से भी निराश होकर आगे बढ़ गई और चलते चलते कुछ दूरी पर उसे एक बस्ती दिखाई देने लगी जैसा कि उस बूढ़े इंसान ने बताया था। और वो फौरन तेज़ कदमों से चलती हुई उस बस्ती की तरफ बढ़ गई और उस बस्ती तक पहुँचने के बाद उसने राहत की सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था अपने दोस्तों को कैसे ढूंढे। कुछ ही देर बाद दिन चमकने लगा और रोशनी हो गई। मून ने फैसला किया बस्ती के ही कुछ लोगों को इकट्ठा करके अपने दोस्तों को ढूंढने की पर उसके हाथ निराशा ही लगी। पूरे दिन इधर उधर ढूंढने के बाद भी उसे अपना एक भी दोस्त वापस नहीं मिला और मिलता भी भला कैसे। उदास होकर मून वापस घर लौट आई। घर लौटने के बाद उसके माँ बाप ने भी अपने बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि उस जंगल में आज भी लोगों को रात के वक्त सीटियों की आवाज़ सुनाई देती है। जब भी ये सीटी दूर से आ रही हो मतलब वो आपके करीब है और अगर वो आपके करीब आ रही हो तो मतलब कि वो आपसे। तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा को। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।